In this video, I'm going to share today a comfort food, a classic North Indian dish. It's rajma and it is extremely delicious, and I'm going to show you how to make it really simple. So let's check it out. Hello and welcome to Sarum's Kitchen for great vegetarian recipes and new recipes every week. So for this recipe, I'm going to take 1 cup of rajma or red kidney beans, which I have washed and soaked overnight, and then pressure cook for 4 whistles. So after it's cooked, you can see that it has become very, very soft, and that's how we want. Now let's take some of the kidney beans into a blending jar. And then I'm going to add the same water. थोड़े से राजमा लेके हमें इसे मिक्सी में पीस लेना है. तो लेट्स ब्लेंड इट. सो हियर द किडनी बीन्स पेस्ट इज रेडी. सो नाउ हीट ऑयल. 2 बड़े चम्मच तेल गरम करना है. Add 1 teaspoon of ghee. You can also make all in ghee, but I like to add little bit of ghee for flavor. Now add 1 teaspoon of jeera or cumin seeds, 1 teaspoon of fennel seeds or sauf, 1/2 teaspoon of fenugreek seeds, and 1/2 teaspoon of coriander seeds, and then add pinch of asafoetida or hing. And when everything cracks, then add chopped onion. This is about 1 cup of chopped onions. Now saute until they are slightly soft. Halka sa bhun lenge jab tak ki wo thoda sa soft ho jaye. Then add ginger garlic and green chili paste. Adrak lahsun aur hari mirch ka paste dalenge. Usko acche se bhun lenge. And then add 1/2 teaspoon of turmeric powder. इससे बढ़िया सा कलर आ जाएगा एक. और फिर हम डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर. यहाँ मैंने कुछ टमाटर बड़े टुकड़े काटे हैं और कुछ बारीक टुकड़े काटे हैं. तो ये मैंने 2 मीडियम साइज टमेटोज लिए हैं. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए. बाद में हम इसमें डालेंगे मसाला. इस ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस विच इज जस्ट 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक, 1 टीस्पून ऑफ मैंगो पाउडर और आमचूर पाउडर, एंड 1 टीस्पून ऑफ ड्राइड फेनिग्रीक लीव्स, कसूरी मेथी एंड पिंच ऑफ एसाफोएटिडा. I have mixed everything with 1 tablespoon of water. So just mix it and prepare this spice blend. Now add this to the onion and tomatoes. This way you will not burn the spices, and the spices will be very, very aromatic. से बहुत बढ़िया खुशबू आती है और मसाले भी जलते नहीं हैं. तो इसे हम ढक कर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक पका लेंगे. तो अभी ऑयल इसमें सारा सेपरेट हो चुका है. ऑयल हैज़ बीन सेपरेटेड. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड रेड किडनी बीन्स विच वी हैव बॉइल्ड एंड देन द पेस्ट. नाउ मिक्स एवरीथिंग वेल. Adding paste, it gives a gravy a very thickness, which is a rich gravy and not like a watery. जैसे पानी अलग हो जाता है और राजमा अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा. बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बनेगी, बहुत ही बढ़िया. इसको 1 उबाल आने तक पकाएं और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथ से ऐसे पीस लिया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. इसके बिना पंजाबी डिश अधूरी है. एंड देन सॉल्ट टू टेस्ट. इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकाएं और फिर
देखिए आप, गर्मा गर्म राजमा हमारे तैयार हो गए हैं। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही थिक और रिच है, आप देख सकते हैं, और ये खाने के लिए एकदम तैयार है। तो इसे स्टीम्ड राइस के ऊपर आप सर्व कीजिए। तो प्लेन राइस ले लिया है मैंने, और ऊपर डाल दीजिए राजमा। जस्ट पोर ऑन टॉप ऑफ स्टीम्ड राइस एंड दिस कंफर्ट फूड इंडियन क्लासिक राजमा चावल इज़ रेडी। ट्राई टुडे एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। जस्ट स्प्रिंकल सम फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया डाल देंगे ऊपर। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसे। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी है, आज ही ट्राई कीजिए। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।